स्टैंडर्ड 5 चैप्टर नंबर 3 नाउंस एंड जेंडर। आप लोगों ने ऑलरेडी सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप नाउंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो और जेंडर भी आपको फोर्थ में आता ही था, ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए व्हाट इज नाउन एंड जेंडर, ठीक है। नाउंस आर डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द जेंडर दे रिफर टू। जेंडर के अनुसार नाउंस को कितने पार्ट, कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है? फोर कैटेगरीज। हाउ मैनी कैटेगरीज? फोर कैटेगरीज। अ नाउंस दैट रिफर्स टू अ, नाउंस को किस में रिफर किया गया है? मेल एंड मेल इज सेड टू बी ऑफ द मस्कुलाइन जेंडर। मेल को किस में रिफर? मस्कुलाइन में। अंकल, द, डुके, टाइगर एंड लायन। सेकेंड, अ नाउन दैट रिफर टू अ फीमेल। फीमेल आपको पता ही है, आगे फोर्थ स्टैंडर्ड में आप लोगों ने किया था, फीमेल को क्या होता है उसको जेंडर? फीमेनाइन, फेमेनाइन, एफ ई एम आई एन आई एन ई, फेमेनाइन। एंड डचिस, टाइग्रेस, लाइनेस। अ नाउन दैट कैन रिफर टू अ बोथ, यानी अब दोनों मेल एंड फीमेल, इज सेड टू बी कॉमन जेंडर। मेल है उसको मस्कुलाइन, फीमेल हो फेमिनाइन, और दोनों को साथ में मिला के करे तो क्या रिफर होता है? कॉमन जेंडर होता है। चाइल्ड, पेरेंट, सर्वेंट, कजिन्स। अ नाउन दैट रिफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग दैट इज नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल, ना तो वो मेल है ना तो वो फीमेल है, क्या है? नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग के बारे में आपने साइंस में पढ़ा होगा, नॉन लिविंग थिंग। व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग? नॉन लिविंग थिंग किसको बोलते हैं वो आपने पढ़ा था ना, जिसके अंदर जीव नहीं होता है उसको हम नॉन लिविंग बोलते हैं। जैसे कि ये पेन है तो वो क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया। जैसे कि ये बुक्स है तो वो भी नॉन लिविंग है, इसी तरह से उसको हम नॉन लिविंग थिंग, ना तो वो मेल है ना तो वो फीमेल है। न्यूटर जेंडर, उसको क्या बोला जाता है? न्यूटर जेंडर, एन ई यू टी ई आर, न्यूटर जेंडर। कार, टेबल, बुक, वेली। आपको फोर कैटेगरीज पता चल गया, मेल के बारे में, फीमेल के बारे में, बोथ मेल एंड फीमेल उसको क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर। एंड नॉन लिविंग थिंग उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूटर जेंडर, ठीक है। वो आपको फोर कैटेगरीज आपको याद रखनी होगी। ए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल नाउंस ऑफ द न्यूटर जेंडर। चलो न्यूटर जेंडर आपको यहाँ पे स्ट्रिप दी गई, उसमें से आपको फाइंड करना है, और यहाँ पे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस आपको अच्छे से पढ़ना है, उसमें से आपको यहाँ पे फाइंड करके यहाँ पे आपको राइट करना है, ठीक है। फर्स्ट, द चिल्ड्रन हैड स्कैटर्ड द टॉयज इन देयर रूम। द चिल्ड्रन हैड स्कैटर्ड द ब्लैंक इन देयर रूम, तो क्या आएगा? ग्रेप्स, नो। रूम, नो। बुक्स, नो। कप्स, नो, वो तो हो ही नहीं सकता। प्लांट्स, नो। तो क्या आएगा? टॉयस। क्या आएगा? टॉयस, टी ओ वाई एस, टॉयस। सेकेंड, ब्लैंक नीड केयर एंड लव टू ग्रो वेल। आपको किसको, किसकी केयर करनी चाहिए और किस ग्रो करना चाहिए? प्लांट को। प्लांट को ही हम ग्रो करते हैं ना, बुक्स को ग्रो करते हैं, रूम को ग्रो करते हैं, ग्रेप्स को, प्लांट को ही ग्रो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया? प्लांट्स, पी एल ए एन टी एस, प्लांट्स। थर्ड, दैट रूम, आर डबल ओ एम, दैट रूम डज नॉट गेट इनफ सनलाइट। रूम, आर डबल ओ एम, रूम। फोर्थ, समर्स पिक अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का ही बंच होता है ना, यहाँ पे देखो बस बकेट में बताया गया है ग्रेप्स, उसको हम बंच बोलते हैं। समर्स
picked a bunch of grapes from the basket. 5 number, the children broke the cups on the table while playing with a ball. Cup tod diya. C-U-P-S, cups. 6 number, Blessy went to the library to borrow some history books. B-O-O-K-S, books. B, write nouns of opposite gender beside the following nouns. आपको opposite लिखना है, ठीक है? First number, milkman. यहाँ पे milkman का क्या होगा? Maid, M-A-I-D. क्या होगा? Milkmaid, M-A-I-D. Second, hero. तो वो तो आपको पता ही है, heroine, H-E-R-O-I-N-E. वापस रिपीट कर रही हूँ, हीरोइन का स्पेलिंग H-E-R-O-I-N-E. थर्ड नंबर, monk, M-O-N-K, monk. तो क्या यहाँ पे होगा? नन, N-U-N. आपको वर्ड्स ये याद रखने हैं, ठीक है? monk का क्या होगा? नन, N-U-N. फोर्थ नंबर, जेंडर, G-A-N-D-E-R. जेंडर का क्या होगा? गूस, G-O-O-S-E. फोर्थ में क्या आएगा? G-O-O-S-E, गूस. फाइव नंबर, किंग, तो क्या आएगा? क्वीन, Q-U-E-E-N, क्वीन. सिक्स नंबर, पीहन, तो क्या होगा? पिकॉक, P-E-A-C-O-C-K, P-E-A-C-O. सीके. सेवन नंबर, होस्ट, तो क्या होगा? होस्टेस, एच ओ एस टी ई डबल एस. होस्ट का क्या होगा? एच ओ एस टी ई डबल एस, होस्टेस. एट नंबर, इम्पेरर, ई एम पी ई आर ई डबल एस, E-M-P-E-R-E-S-S, Imperus, with, तो wizard. नाइन नंबर में क्या है? wizard, W-I-Z-A-R-D, W-I-Z-A-R-D, wizard. टेन नंबर, ब्राइड, bridegroom, B-R-I-D G R डबल ओ एम. टेन नंबर, B R I D E G R डबल ओ एम, ब्राइड ग्रूम. ओके, नेक्स्ट पेज. C, रीराइट द सेंटेंसेस रिप्लेसिंग द नाउन्स इन रेड विथ नाउन्स ऑफ ऑपोजिट. यहाँ पे जो रेड में जो लिखा गया है, राइट किया गया है, उसके जगह हम क्या करेंगे? उसका ऑपोजिट करेंगे, ठीक है? रेड है वहाँ पर ही, ठीक है? रेड लिखा हुआ है वहाँ पर. फर्स्ट, अ थीफ वॉज कॉट बाय अ पुलिसमैन. पुलिसमैन का क्या होगा? पुलिस वुमन, मैन का वुमेन होता है ना, वुमेन, पी ओ एल आई सी ई, पुलिस वुमन, डब्ल्यू ओ एम ए एन, डब्ल्यू ओ एम ए एन, पुलिस वुमन. आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, बाद में यहाँ पे लास्ट में आपको चेंज करना है पुलिस वुमन. सेकेंड, देर आर फाइव मेन लिविंग इन द हॉस्टल एट प्रेजेंट. मेन, एम ई एन, तो क्या होगा? वो तो आपको पता ही है, यस, एम ए एन. देर आर फाइव वुमेन, W O M E N, मीन का W O M E N, लिविंग इन द हॉस्टल एट प्रेजेंट. थर्ड नंबर, द किंग, किंग के जगह क्या होगा? क्वीन. और प्रिंस के जगह क्या होगा? प्रिंसेस, P R I N C E डबल S, प्रिंसेस. द क्वीन एंड द प्रिंसेस आर वॉकिंग इन द गार्डन, ठीक है? आपको यहाँ पे प्रिंस के जगह चेंज करना है और किंग के जगह भी आपको, दोनों पर आपको चेंज करना है. किंग का क्वीन,
प्रिंस का प्रिंसेस PRINCESS प्रिंसेस। फोर्थ नंबर, माय फादर हैज टू नाइसेस हू लिव इन बैंकॉक। माय फादर, फादर है तो क्या आएगा, मदर MOTHER मदर। हैज टू नेफ्यू NEPHEWS नेफ्यू क्या स्पेलिंग होगा, भतीजा, भतीजा बोलते हैं ना, NEPHEWS नेफ्यूज हू लिव इन बैंकॉक। फाइव नंबर, द इंस्ट्रक्टर आस्क्ड द बॉयज, बॉयज की जगह क्या करना है आपको, गर्ल्स, टू फॉलो हिम व्हाइल एक्सरसाइजिंग। क्या आंसर है, द इंस्ट्रक्टर आस्क्ड द बॉयज, बॉयज की जगह आपको क्या करना है, गर्ल्स, GIRLS गर्ल्स, टू फॉलो हिम व्हाइल एक्सरसाइजिंग। सिक्स नंबर, द पीकॉक, पीकॉक की जगह क्या होगा, पीहेन, पीहेन की जगह पीकॉक होता है, पीकॉक की जगह पीहेन, तो यहाँ पे पीकॉक है तो आपको क्या करना है, पीहेन, PEAHEN पीकॉक के जगह क्या करना है, PEHEN पीहेन, डिड नॉट लाइक बीइंग इन अ केज। सेवन नंबर, द ड्यूक हैड अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, यहाँ पे क्या होगा, DUKE ड्यूक का क्या होगा, ड्यूचेस, द DUCHESS वापस रिपीट कर रही हूँ, THE, DUCHESS हैड अ ब्यूटीफुल वाइट मेर, हॉर्स का क्या होगा, MARE मेर, ओके। लास्ट में सब जगह आपको फुल स्टॉप करना है, ठीक है, भूलना नहीं है। एट नंबर, द विजार्ड टर्नेड द गूस इनटू द इनटू अ टाइग्रेस, यहाँ पे तीन जगह पे आपको चेंज करना है, विजार्ड, गूस एंड टाइग्रेस। यहाँ पे विजार्ड का क्या होगा, विच, WITCH, द विजार्ड क्या होगा, WITCH विच टर्नेड द जेंडर, GANDER जेंडर टाइग्रेस का क्या होता है, टाइगर, इनटू अ टाइगर, TIGER टाइगर, लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। टाइग्रेस का क्या होगा, टाइगर, ठीक है। विजार्ड का विट, WITCH, GOOSE गुस का होगा टर्ने, सॉरी जेंडर, GANDER जेंडर, और टाइग्रेस का होगा टाइगर। नाइन नंबर, द प्रेस्ट ब्लेस्ड द पोएट, प्रेस्ट का होगा प्रेस्टिसेस, PRIESTESS क्या लगेगा, पीछे टी के बाद क्या लगेगा, ESS प्रेस्टिज ब्लेस्ड द पोएट्स, POETESS पोएटिस एंड प्रेस्टिसिस, ठीक है। टेन नंबर, द मिल्क मैन वॉज इल सो हिज डॉटर डिलीवर्ड इट द मिल्क, द मिल्क मैन, मिल्क का क्या होगा, आगे हमने पढ़ा था मिल्क का मेड, मिल्क मैन, मैन का मेड, MAID MILK मिल्क, MAID मिल्क मेड वॉज इल सो हर, हिज के जगह हर हो जाएगा, क्योंकि हिज के लिए क्या होता है, लड़का, और यहाँ पे आपको ऑपोजिट करना है, हर सन, यहाँ पे हीज आएगा, सॉरी यहाँ पे हीज, सन डिलीवर्ड द मिल्क, ओके, यू गॉट इट, ओके, बाय बाय, थैंक यू।